संडे मंडे की फीलिंग पूरा बोलते चाहिए एसयू एनडी बाय संडे मिस रविवार एमओ एनडी बाय मंडे मिस सोमवार टीवी एसडी बाय ट्यूडे मिस मंगलवार डब्ल्यूडी एन एसडी बाय विनेश मिस बुधवार टी एच यू आर एसडी बाय थर्सडे मिस बृहस्पतिवार एफ आर आई डी बाय फ्राइडे मिस शुक्रवार एस टी यू आर डी बाय सैटरडे मिस शनिवार। वाह बहुत अच्छा, इनके लिए ताली लगाइए एक बार। बहुत अच्छा, इतना तेज है आप बहुत जी हैं। एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में एक साल में होता एक साल में 12 महीने। 12 महीने, 12 को अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। जनवरी जनवरी में जनवरी फरवरी फरवरी मार्च मार्च में मार्च अप्रैल अप्रैल में अप्रैल मई में मई जून जून जुलाई में जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा, इनके लिए ताली लगाइए आप लोग। इतना पढ़ने में तेज हैं जी, आपका बनने का सपना है पुलिस, आप जरूर बनिएगा पुलिस। यहाँ पर क्या कर रहे हो जी? बैठ खा रहा है। बैठ खा रहा है? ऐसे कहा बोलता है, मुँह में कुछ हो गया है? तब तो तोते बोलते आप कहा तो बोलता है। भादमान बन गई थी देवतिया तब तक। भारत का बजट हुआ था सब हम कहीं से पूछेगा तो हम लूट जाएंगे। अब पूछो दूसरा से पूछे। हाँ। भारत का बजट हुआ था 1947 में। अच्छे 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। अच्छा भारत का बजट हुआ था? भारत पता नहीं कब आजाद हुआ था। चलिए 4 क्वेश्चन सही बता दिए हैं, इनको भी एक पेन मिलता है, लीजिए। आप भी अच्छा से पढ़िएगा, पढ़िएगा ना अच्छा से जी, पढ़ेंगे। एक एक दुए दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच। चलिए ठीक है, आप मतलब कि 4 क्वेश्चन के आंसर सही बताए हैं इसलिए आपको एक पेन मिलता है, लीजिए और इससे अच्छा से पढ़िए जी। और आगे अच्छा से पढ़िएगा और आगे भी आपको प्राइज देंगे। ठीक, खुश है? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? गंगा नदी। ये तो गलती बता दिए पहला क्वेश्चन। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं एक गांव में और देखिए उधर बहुत सारे बच्चे हैं, लगता है बैर खा रहे हैं। अभी जैसा कि ठंडा का मौसम है और बैर का सीजन है, बच्चे लोग बहुत बैर खाते हैं। हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग भी बैर खाते थे। चलिए बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो जी? बैर खा रहा है? ऐसे कहा बोलता है, मुँह में कुछ हो गया है? तब तो बोलते आप कहा तो उतराते बोलता है। भादमान बन गई थी देवतिया तब तक। ओ ऐसी दिया है। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। पढ़ता है जी? कौन क्लास में पढ़ता है? ओवान में पढ़ता है। ये कुछ लग गया है? चिचिड़ी। ओ चिचिड़ी लगी। यहाँ पर क्या कर रहा था अभी? बैर खा रहे थे। बैर खा रहा था जी। अभी पढ़ने उड़ने जाने का टाइम नहीं है जी? आज छुट्टी मिल गया है। छुट्टी मिल गया है? कौन चीज की छुट्टी मिला है? ठंडी के। ओ ठंडी के छुट्टी मिला है जी। ओ जैसा कि देखिए कितना तारीख तक छुट्टी है? खराब मौसम रहेगा तो सोमवार को खुलेगा, ठीक मौसम रहेगा तो शनिचर को खुल जाएगा। ओ खराब मौसम रहेगा तो सोमवार को खुलेगा, ठीक मौसम रहेगा तो शनिचर को खुलेगा जी। ओ ये कहना चाह रहे हैं। कौन कैसा पढ़ते हैं? ओवान में पढ़ते हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? आयुष कुमार जी। कौन कैसा पढ़ते हैं? यूकेजी में। हाँ। इतना बड़ा बच्चा यूकेजी में पढ़ता है? हाँ। ये देखिए कि क्या बोल रहे हैं जी, यूकेजी में सही में पढ़ता है यूकेजी में जी? हाँ यूकेजी में पढ़ता है। यूकेजी में पढ़ता है? सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ता है यूकेजी में। सरकारी में? सरकारी में पचवा में प्राइवेट में यूकेजी में। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है जी। ऐसे कैसे हुआ जी? सर को कुछ नहीं बोले हैं कि हम यूकेजी में कहा है? अभी परीक्षा पास जाएगा तो चल जाएंगे ओवन में चल जाइएगा। अच्छा यूकेजी में आप हैं और सरकारी में पचवा में हैं। बेसिक चीज तो जानते होंगे, बेसिक चीज जानते होंगे ना? हाँ। ABCD हो गया, ये सब हो गया, संडे मंडे सब तो आता होगा। संडे किस दिन बताइए? संडे मंडे रविवार। साल में कितना दिन होता है? साल में? हाँ। एक साल में 12 महीना। 12 महीना होता है। कितना दिन होता है? दिन? हाँ 365 दिन। चलिए ठीक है, इधर आइएगा, इधर थोड़ा सा इधर आते हैं, इधर आते जाइएगा सब, इधर आइएगा, इधर थोड़ा सा देखिए सरसों सब फुलाल है, थोड़ा सरसों और सो तो आप लोग अच्छे ठीक है। यहाँ पर बैर खा रहे थे तो गेहूँ पूरा दम गजा रहा था ना जी? तो गेहूँ इधर आइए तो गेहूँ कहाँ गाजते हैं जी? किसान का ये फसल बर्बाद ना हो जाएगा? बैर खाने बैर खाते हैं। ठंडा ना है? ठंडा में बैर खा जाएगा, खोखी उखी हो जाएगा। क्या करें, कुछ नहीं करने का है।
अच्छा ठीक है, आप लोग जैसे कि पढ़ते होते हैं तो आप लोग को अंतराक्षरी भी खेलने के लिए जानते होंगे। एक एक दिन हो जाइए, देखिए कौन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक तरफ, दोनों, हाँ दोनों दोनों हो गए, ठीक है ये हो गया। आप अपना पार्टी का नाम क्या रखिएगा? अपना पार्टी का नाम रखेंगे उत्तम कुमार। उत्तम कुमार, आप अपना पार्टी का क्या नाम रखिएगा? अंकित कुमार। अंकित कुमार, दोनों पार्टी हो गए हैं, दोनों से कुछ क्वेश्चन करें हैं? जी। अच्छा इस पार्टी से क्वेश्चन है, भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, सही है जी? जी सही है, चलिए एक नंबर तो आपको मिल गया। अच्छा आपसे पूछते हैं, भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी, सही है जी? हाँ सही है। सही है, अच्छा ठीक है। तो हम क्वेश्चन वोश्चन तो पूछ रहे हैं, थोड़ा सा गाना वाना भी हो जाए। आप लोग गाना वाना तो सुनते होंगे? गाना सुनते हैं? कौन गाना सुनते हैं? भोजपुरी। भोजपुरी गाना सुनते हैं? अश्लील गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अश्लील गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? नहीं वो अश्लील गाना नहीं सुनते जी, बड़ी खराब खराब गाना इतना रहता है। हाँ सुनते हैं। अच्छा उसमें रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उसमें रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए। ए बाबू तुम भी इधर आ जाओ, छोटी देखिए एक छोटी बच्ची भी है, इसको भी रखिए जी, इसको भी रखिए, हाँ ये भी रहेगी कैमरा में। अच्छा तो अश्लील गाना सुनते हैं, तो अश्लील गाना में जैसे कि कोई कोई अश्लील गाना बताइए, कौन कौन का अश्लील गाना निकला था आपके समय से? हमको समय से निकला घर में छिपा किली वाला। हाँ आज भर ढील दा। आज भर ढील दा अश्लील था ना? हाँ और एक आपको बताइए। रात भर नचाई ऐसे ऐसे गाना पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए ना? हाँ। ऐसे से बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा, एकदम सुनेगा। हाँ, तो बर्बाद हो जाएगा, सुनेगा खराब खराब गाना तो एकदम पूरा खराब खराब उसको फील आएगा। आज भाई ढील दे क्या क्या है, मतलब कि भोजपुरी के कुल मतलब कि उसको क्या कलाकार कौन बोलेंगे, एकदम नचनिया कलाकार सब भोजपुरी को बर्बाद कर रहा है। भोजपुरी बर्बाद कर रहा, गलत काम कर रहा है। गलत काम कर रहा है, सरकार को मारना चाहिए। सरकार को उसको मारना चाहिए, मतलब ऐसा गायक को ना जो गलत गलत गाना गाता है? बढ़िया बढ़िया गाना गाना चाहिए। अच्छा बढ़िया गाना का सुनाइए, तो बढ़िया गाना। हाँ का सुनाइए बढ़िया गाना। भोजपुरी सुनाइए। रात भर नचाई बगा डिम्पलवा, हाउ मारा दरंगबा, हाउ मारा दरंगबा। ओ रात भर नचाई बगा डिम्पलवा, इस पर तो बहुत विवाद हुआ था जी। हाँ हुआ था। ऐसा ऐसा गाना मतलब नहीं गाना चाहिए है ना गायक को? हाँ। मतलब आप लोग गायक गाता था सीखते हैं ना? हाँ। अच्छा ठीक है, अंतराक्षरी खेलिए आप लोग, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है पूछिए कुछ क्वेश्चन। ये तो तवती बोलता है। हाँ। मैंने पूछा। हाँ मैंने पूछी आप। इलिफेंट के मेल में बोलो। इलिफेंट के। हाँ बोले। ये एलिपीएचएंट इलिफेंट में साथी। इलिफेंट में साथी, सही है जी? जी सही है। हाँ और पूछिए आप। टीपॉट के मेलिंग बोलो। टीपॉट के। हाँ। टी आई पी ओ टी। क्या हुआ? गलत है। हाँ बोलिए। टीपॉट टीपॉट में चायदानी। वाह बहुत अच्छा, आप पूछिए, आप एक नंबर से हार गए हैं। पूछिए बताइए। लट्टू को बोलिए। लट्टू तो बोल दिए। टी पी चलिए लट्टू कहना यहाँ, चलिए वो सट गया। हाँ आगे पूछिए। टी ओ पी ई। हाँ टी ओ पी ई। टॉप टॉप माने लट्टू। हाँ जी। हाँ सही सही है। अभी से आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? पहला में। पहला में पढ़ते हैं? हाँ। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। प्राइवेट में नहीं जाते हैं ना? इन सरकारी में पहला में पढ़ते हैं। हाँ। आज आपके भाई हुए जी, तो यूकेजी में पढ़ते हैं? हाँ। उधर भी एक बच्चा है, इधर आओ दिखाइए 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 उसको, दिखाइए दिखाइए, देखिए देखिए वो बच्चा भाग रहा है, और बच्चा काफी वायरल हो गया लेकिन भाग रहा है। देखिए गांव में आते हैं तो एक अलग फील होता है, जब बच्चों लोग से मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग होते हैं जो हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं में से कितने लोग डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? ऐसे आपका क्या सपना है? हमका सपना पुलिस बनने का। पुलिस बनने का? हाँ। चलिए गर्व है आप पर, बढ़िया से सेवा कीजिएगा ना देश का जी। घूस उसना ले लीजिएगा? नहीं। चलिए ठीक है आप पुलिस बनिएगा। आप क्या बनिएगा? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनिएगा जी। चलिए मेरा शुभकामना आपके साथ की बढ़िया डॉक्टर बनिएगा। अच्छा कैसा डॉक्टर बनिएगा आप? जो इलाज करता हूँ। इलाज करता है तो मैंने कैसा? ईमानदार की बेईमान? ईमानदार। ईमानदार बनिएगा जी। तो कहते तो सब है ईमानदार, लेकिन वहाँ गले के बाद मतलब किडनी लिवर भी निकाल लेते हैं, ऐसा ना कीजिएगा गरीब आदमी के साथ। नहीं
मेरी बात में इलाज कीजिएगा जी। आप क्या बनिएगा? फौजी। फौजी बनिएगा? हाँ। देश की सेवा कीजिएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, आप फौजी बनिएगा। आप क्या बनिएगा? हम बनेंगे गुंडा। अरे गुंडा, गुंडा कहाँ बनेगा जी? है गुंडा, गुंडा कहाँ बनेगा? सब फिल्म में रहता है गुंडा, तो हम कहाँ बने गुंडा। तो हीरो, हीरो भी तो बन सकता है तुम? हाँ हीरो बन सकते है। हाँ। नहीं लेकिन गुंडा बनेंगे। गुंडा बनेगा? गुंडा बनेगा, पिटाएगा जी? गुंडा पीट देगा किसे? किसका ही मतलब पीट देगा? देखिए ये रंगवाज होता है, बिहार का रंगवाज मतलब स्टाइल होता है इसका, कि गुंडा बनेगा मतलब कैसा गुंडा बनेगा? तो गरीब के सताएगा कि जो गलती करेगा उसको सताएगा? गलती करेगा उसको सताएगा, गरीब को मतलब मदद करेगा जी। ओ, मतलब ऐसा गुंडा बनेगा कि मतलब विलन बनेगा कि जिसे गरीब को जो तंग करेगा तो उसको मतलब गरीब को बचाएगा? तो हाँ गरीब को बचाएगा इसीलिए मतलब। तो गुंडा नहीं तो हीरो बनेगा, वो समझिए। तुम्हारा मनपसंद हीरो कौन है? मनपसंद हीरो है सूर्या। सूर्या जी। ओ साउथ फिल्म लगता है जी? साउथ फिल्म लगता है। इधर एक बच्ची है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ बोलो, बोलो जल्दी, क्या नाम हुआ? चूस नहीं मिलेगा। नहीं। क्या नाम है? सलोनी कलकी। पढ़ती है? कैसे क्या होता है? कैसे क्या होगा? कैसे कबूतर? कैसे कैसे खरगोश? खरगोश एक एक, एक, एक दो तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छो छो, सात सात, आठ आठ, नवाई नौ, दहाए दस। वाह देखिए छोटी बच्ची है जो एक कप पढ़ गई मेरे साथ साथ। तुम कौन कौन से पढ़ती है? आड़ी बाड़ी में। अरे आड़ी बाड़ी के कुछ बच्चा नहीं आया जी? आड़ी बाड़ी में नहीं आता है, है? नहीं आता है, कुल चल गया। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? आप हमें? हम तो पढ़ते हैं, इसको कुछ बोलता है, टू क्लास। टू क्लास में? सरकारी में कि प्राइवेट में? अभी प्राइवेट में, सरकारी में पढ़ते सेवन क्लास में। सरकारी में सेवन क्लास में? इतना डिफरेंस कैसे होता है जी? डिफरेंस होता है, सरकारी में कम पढ़ाई देता है और प्राइवेट में ज्यादा देता है। ज्यादा देता है जी। तो सरकारी में पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सरकार को माना अति सुधारना चाहिए मास्टर को कि पढ़ाई निम्न से दे। और पढ़ाई लिखाई होता है कि ना? हाँ होता है, लेकिन सरकारी में गलत होता है। सरकारी में नहीं पढ़ाई होता है? नहीं। अच्छा खिचड़ी मिलता है सही से कि ना? खिचड़ी नहीं मिलता, दाल व सब्जी मिलता है। खाना निम्न मिलता है, हर पेट भी नहीं देता है। हर पेट नहीं देता है? नहीं देता। बढ़िया खाना नहीं रहता है? नहीं। देखिए बच्चा, छोटा छोटा बच्चा बता रहा है कि बढ़िया खाना नहीं रहता है। अच्छा सरकार घर से तो मतलब भर पेट खाना आता है? दलिये में ना। नून मना दे है दलिये में? पढ़े जाओ। हाँ। अच्छा देखिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक देख रहे हैं, तो ये सब पर ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अरे आप लोग के बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब कि पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। अच्छा भारत के बजा दुआ था भारत? भारत पता नहीं कब आजाद हुआ था, समझेगा सर? आजाद नहीं हुआ था मतलब? नहीं आजाद हुआ था। आजाद हुआ था ना जी? नहीं हुआ था आजाद। आजाद हो गया है? हुआ है आजाद। कब हुआ? 1934 में। 1934 में हुआ था? 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। बाबू इधर आओ, चूस चूस देंगे, चूस चूस इधर आओ, इधर आओ। देखिए छोटी बच्ची है, इधर चॉकलेट देंगे इसको, बच्चा को लो लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चूस पकड़ो। हाँ यहाँ पर रुको, भारत का आजाद हुआ था? सब हम कहीं से पूछेगा तो हम लूट जाएंगे। अब पूछो दूसरा से पूछे। हाँ। भारत का आजाद हुआ था 1947 में। अच्छे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पांच क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पांचों क्वेश्चन में चार को बता दीजिएगा, पेन मिलेगा आपको। तैयार है जी? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस? 5 सितंबर जी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। हाँ 5 सितंबर। 5 सितंबर। दो क्वेश्चन बता दिए हैं। अच्छे आप बता दीजिए, बिहार में कुल कितना जिला है? 38। तीनों को बता दिए जी। भारत में कुल कितना राज है? भारत में कितना राज है? 28। सही बता दिया जी, चार को तो बता दिया जी, पांचवा पूछ रहे हैं। पांचवा पूछ रहे हैं, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री? हाँ।
श्री नीतीश कुमार, श्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। चलिए ठीक है, हम मतलब कि चार क्वेश्चन के आंसर सही बताए हैं, इसलिए आपको एक पेन मिलता है, लीजिए और इससे अच्छा से पढ़िए जी, और आगे अच्छा से पढ़िएगा और आगे भी आपको प्राइज देंगे। ठीक, खुश है जी? खुश है। आप इधर आइए जी, आपसे ये पांच क्वेश्चन पूछेंगे जी, चार क्वेश्चन सही बताइएगा जी, आपको ही मिलेगा जी। ठीक है, तैयार है जी? तैयार। भारत में कुल कितना राज है? अट्ठाईस। चलिए सही है। हम लोग जो सांस लेते हैं, कौन सा गैस रहता है सांस लेते हैं जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, दो गो तो सही बता दिया जी। अच्छे बता दीजिए आप, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी, तीन को सही बता दिया जी। और क्या पूछे काको, बताइए तो आप। पूछिए, पानी किस गैसों से बनता? हाँ, पानी किस गैसों से, पानी कौन से गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है ही, और है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। चार को बता दिया जी, चार को बता देना जी, चार को बता दिया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, थोड़ा सा हार्ड। भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नीतीश कुमार, नहीं श्री अति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चलिए आप गलती बता रहे हैं, नहीं चार क्वेश्चन आप सही बताए ना जी, जी। चलिए आपको भी एक पेन मिलता है, और आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा ना जी, बिहार को बताइएगा ना जी, ईमानदार बनिएगा ना जी, ईमानदार बनना है ना जी, बनना। आप मतलब विलेन भी बनिएगा या कुछ भी बनिएगा तो गरीब को तंग नहीं कीजिएगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत कीजिएगा, सही करेगा उसके साथ सही कीजिएगा। चलिए ये तो मतलब बताएंगे कि नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं। आप अभी कौन क्लास में है? पहला में है। अच्छा, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? गंगा नदी, ये तो गलती बता दिया। पहला क्वेश्चन, एक सप्ताह में कितना दिन होता है जी? नहीं आता इनको, इनको नहीं आएगा। अच्छा आपसे पूछते हैं, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? सात दिन होता है। सात दिन होता है, सातों का नाम बता दीजिए। सातों के संडे मंडे के बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिवार। वाह बहुत अच्छा, इनके लिए ताली लगाइए एक बार, बहुत अच्छा, इतना तेज है बहुत जी। एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में 12 महीने। 12 महीने, 12 को अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। जनवरी, जनवरी में, जनवरी अप्रैल, फरवरी, फरवरी में, मार्च, मार्च में, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में, अप्रैल में, मई में, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई में, जुलाई, अगस्त, अगस्त में, सितंबर, सितंबर में, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली लगाइए आप लोग, इतना पढ़ने में तेज है जी। आपका बनने का सपना है पुलिस, आप जरूर बनिएगा पुलिस। अच्छा, और आपसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र, हाँ, जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है तो उसका सूत्र होता है ना, रासायनिक फॉर्मूला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, H2O होता है, H2O। चलिए ठीक है, और बता दीजिए भारत के सबसे बड़ा राज कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, भारत के राज है दिल्ली, राजस्थान है। चलिए कोई बात नहीं, आप दो क्वेश्चन सही बताए हैं, एक गलती बताए हैं। अभी और आपसे मतलब पूछते हैं, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हार्ड हो गया आपसे, कोई बात नहीं है, श्रीमती राबड़ी देवी। चलिए कोई बात नहीं है, आप बता दीजिए भारत में कुल कितने राज हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य हैं? हाँ, भारत में 28 राज्य हैं। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अनुशासित प्रदेश, हाँ, आठ। चलिए चार क्वेश्चन सही बता दिए हैं, इनको भी एक पेन मिलता है, लीजिए आप भी अच्छा से पढ़िएगा, पढ़िएगा ना अच्छा से जी, पढ़ेंगे।
ये पेन है, प्राइज है, हमसे जितना हुआ हम किए, प्राइज का कोई कीमत नहीं होता है। आगे और बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और आगे हम आपको देंगे प्राइज देंगे, पढ़ने में भी मदद करेंगे, जहाँ भी पढ़ने में कोई दिक्कत हो हमसे बोलिएगा, ठीक है? अच्छा से पढ़िएगा ना जी। हाँ, ये प्राइज, ये ना सोचिए कि ये 2-4 रुपया का कलम है, ये एक प्राइज होता है जी, अच्छा से पढ़िएगा। हाँ, प्राइज का कोई कीमत नहीं होता है, और आगे आप लोग को भी सपोर्ट करेंगे पढ़ने में, अच्छा से पढ़िए, ईमानदार बनिए, आप भी ईमानदार बनिएगा ना जी। जी हाँ, तो आप तो क्वेश्चन नहीं बताए बढ़िया से, इसलिए आपको चॉकलेट मिलता है, ठीक है? आप अगला बार अच्छा से बताइएगा, अगला बार फिर आएंगे और अगला बार आपसे मिलेंगे, आप फिर आपको कलम उलम भी देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, और बच्चों से मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है, हमारा बचपन याद आ जाता है। और ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे ही निकलकर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, गाँव के ही होते हैं। और जैसा कि गाँव से निकलकर बड़े बड़े महापुरुष बने हैं, जैसे कि कोई भी बड़े बड़े महापुरुष को आप देखते हैं तो गाँव से ही होते हैं, होते हैं ना गाँव से जी। जी आप लोग को बड़ा बनना है ना जी। जी हाँ, आप लोग को संस्कार भी सीखना है, कितना बड़ा भी बनना है तो अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, और अभी हम बता देते हैं, अभी हम गांव में थे, अपना गांव में थे, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, और मैं था आपके साथ प्रदुमन यादव। एक बार बोल दीजिए जय हिंद जय हिंद।